माफ कर दीजिए प्लीज। कल शाम को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ प्रिया जी। दरअसल वो एक्सक्यूज मी, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ओके? दरअसल वो माहौल ही कुछ ऐसा था और बस मैं बहक गया और वो दाल चावल मंचूरियन सब आपके ड्रेस पे, इसलिए मैं आपके लिए ड्रेस लाया हूँ। मुझे आपकी इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए अगर आप ये ड्रेस ले लेंगी तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके तो आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में? जी? आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में? आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में। तो समझ लीजिए बंदा हाजिर हो गया। Good evening. Hey, look, that's Dave. Stop it. Let's go. हाय। हाय। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोख गजल कहते हैं। उफ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं। शेर तो आपने बहुत खूब पढ़ा। आदाब। लगता है काफी लड़कियों को सुना चुके हैं आप और इससे आपको काफी सफलता भी मिली होगी, नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं आप, अभी इसी वक्त आपको देखकर ये शेर मुझे सूझा है। ओह, आपकी कसम। लगता है बहुत जल्दी में हैं आप। क्या करूं प्रिया, जहाज बड़ी तेजी से चल रहा है और वक्त उससे भी ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए प्रिया, एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। बड़े भैया? पिताजी? नहीं। ताऊ जी? बिल्कुल नहीं, मेरे होने वाले पति जी। जिंदा है? जिंदा भी और तंदुरुस्त भी। और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया ना तो आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हैं? हैं। अच्छा। माफ कीजिएगा, जोड़ी को जमी नहीं। खैर ये मेरी अपनी राय। अपनी राय अपने पास ही रखिए, क्योंकि सब लोगों का कहना है हमारी जोड़ी खूब जमती है। आई बात समझ में? बात तो करीब करीब समझ में आ गई है। लेकिन एक बात बताइए, आपने कभी कोई बेईमानी की है? मेरा मतलब है छोटी मोटी सी गलती, 3-4 दिनों वाली, 3-4 घंटों वाली? नहीं, ना कभी कोई गलती की है और ना ही करने का इरादा है। अच्छा, टिपिकल इंडियन वुमन। जी? हाँ? क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मैं तो ये कहने जा रहा था कि आप जैसी आदर्श भारतीय नारी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुभ रात्रि, जय हिंद। अरे अरे, अब चले कहाँ, हम तो पूरी शाम साथ गुजारने वाले थे। हाँ इरादा तो ऐसी था, लेकिन अचानक मुझे मेरी माँ की याद आ गई और मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठकर रोना चाहता हूँ। माँ याद आ गई या नानी याद आ गई? क्या कहा आपने? मैंने कहा सो सैड। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, हर मेजबान का फर्ज होता है कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ाए। चलिए ना, आइए ना, आइए आइए। ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट। खामोखा नो एंट्री में घुस गया। चल देव, यू टर्न मार। यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चोट लगी? आपकी छोटी सी ईगो को ठेस पहुंची मिस्टर देव करण सिंह? अरे नहीं नहीं, बल्कि मजा आया, पहली बार अपनी टक्कर का मिला है कोई। एक बात कहूं? कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। नहीं मेरा मतलब है
नो हैंकी पैंकी, नो लफड़ा, सिर्फ 100% शुद्ध दोस्ती। शुद्ध दोस्ती? हसीनों की कसम। मंजूर? मंजूर। तो बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खिलाओगे? Why not? My pleasure. Interesting, very interesting. देव, जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो, तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई खास इज्जत नहीं होगी? गलत, बिल्कुल गलत। यकीन मानो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो उन्हें यहाँ ऊपर रखता हूँ। मतलब हवा में लटका कर? नहीं नहीं, ऊपर सिंहासन पर। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मैं उन्हें करीब से जानने लगता हूँ, सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। हाँ, फिर डोलने लगता है, डगमगाने लगता है और गिर के चकनाचूर हो जाता है, नहीं? बिल्कुल सही। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ऐसी हरकतों से किसी का दिल टूट सकता है? हाँ, कई दिल टूटे भी हैं, अब क्या किया जाए। तुमने मुझे दोस्त कहा है ना देव, तो दोस्ती के नाते एक बात कहूं। तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और उसे तोड़ देते हो। विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। और सच्चा इंसान वो है जो उस विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि निभाए। तुम्हें नहीं लगता? Excuse me, sir. May I repeat your drink? No, thank you. Okay. तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया देव। मेरे बारे में बहुत बातचीत हो गई, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में कल बात करेंगे। अरे कल क्यों, अभी तो पूरी शाम पड़ी है। कल का पूरा दिन भी पड़ा है। गुड नाइट। मॉर्निंग। मॉर्निंग। रात कैसी गुजरी? अच्छी। तुमने परेशान करना जो बंद कर दिया। जी क्या कुछ कहा तुमने? नहीं तो, लेकिन आप कुछ कहने वाली थी अपने बारे में। वैसे तुम्हारी तरह दिलचस्प नहीं है मेरी कहानी। खैर, मैं 2 साल की थी जब मम्मी डैडी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं पुणे के एक अनाथ आश्रम में पली और बड़ी होकर वहीं के बच्चों को नृत्य संगीत सिखाने लगी। एक दिन हमारे यहाँ एक चैरिटी प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट बन के आए। वो कौन? वो फोटो वाले भाई साहब? हाँ, हमारा प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या, पहली मुलाकात में? बॉम्बे में संगीत अकादमी खोलने का प्रस्ताव। अच्छा। और वो मैंने कबूल किया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने वो भी कबूल किया। बस देव, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने एक खुली किताब है। अरे, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही पन्ना है। हाँ देव, मेरी किताब में सिर्फ यही एक पन्ना है। Hold it, hold it, statue, smile, smile. देव, इसे रोको ना। Thank you. Hi, Black Beauty. तुम्हारा कैमरा बड़ा अच्छा है। अरे, इंपोर्टेड है, मेड इन सिंगापुर, $500 का है, बहुत अच्छी फोटो खींचा। क्या फोटो खींचा, क्या जरा दिखा ना। हां, देखो 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 देखो। वाओ, अच्छा ये कुत्ता कैसे है? आ देखो, या देखो। हां देखो, अच्छा। और रोल तो एकदम मिसिल निकल जाता है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। है ना, नहीं है। तुमने मेरा रोल फेंक दिया। कैमरा भी फेंक देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूं तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंक दिया, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम दोनों यहाँ पर छुप छुप के रंगरेलिया मना रहे हो। लेकिन लेकिन मैं सबको बता दूंगा, तुम दोनों की 4 दिन की चांदनी का चक्कर। हाँ, देख लेना। अबे ओ अमावस के चांद, आगे मत बढ़ना, मारा नहीं। चल चल चल, छोड़ूंगा नहीं, बचाव कर दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा मैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो प्रिया? तुम्हारे साथ देखे जाने का अंजाम देख लिया मैंने। अरे प्रिया, लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं। मिस्टर देव, शराब खाने में तुम दूध का ग्लास लेके भी बैठो ना तो दुनिया सोचे कि तुम शराब पी रहे हो। इसलिए मैं जाती हूँ मेरे रास्ते और तुम जाओ तुम्हारे रास्ते। लेकिन प्रिया। देव प्लीज,
चल देव अपने रास्ते। वाह, मिल गया रास्ता। हाय हाय, आपको देखकर अभी अभी एक शेर सो जाए मैडम। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शो गजल कहते हैं। उफ, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं। वैसे मुझे देव करण सिंह कहते हैं। I know that. वैसे आप शाम को क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। वेरी गुड, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है।